और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बताते हैं कि दिग्विजय सिंह ने मोदी पर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी ने नीतीश को सबक सिखाने की बात कही थी और उसी के एक दिन बाद गया में धमाका हो गया है। तो दिग्विजय सिंह ने बेहद कड़े शब्दों में आलोचना की है और हमला किया है। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी ने नीतीश को सबक सिखाने की बात कही थी। आपको बता दें कि मोदी ने ऑडियो विज तकनीक के जरिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और इशारों ही इशारों में उन्होंने कहा था कि अब नीतीश की सरकार को यानी जेडीयू को सबक सिखाया जाएगा। और दिग्विजय सिंह ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि मोदी ने नीतीश को न सिर्फ सबक सिखाने की बात कही थी बल्कि एक ही दिन बाद गया में धमाका हो गया है। अब एनआईए की जांच का इंतजार है, यानी एनआईए की जांच के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके बाद इस बात का खुलासा हो पाएगा। दिग्विजय सिंह इशारों में क्या कहना चाह रहे हैं, बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, मोदी ने नीतीश को सबक सिखाने की बात कही थी, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। और इस बयान के बाद अगले ही दिन गया में बम विस्फोट की घटना सामने आती है। हालांकि अब इस पूरी घटना का एनआईए अपनी ओर से जांच कर रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह का बयान इशारों इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने मोदी पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी नीतीश को सबक सिखाने की बात कहते हैं और उसी के एक दिन बाद गया में विस्फोट हो जाता है। महाबोधि मंदिर में आपको बता दें कल ही सिलसिलेवार 8 बम धमाके हुए हैं जो कि हाई इंटेंसिटी के नहीं थे। बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कुछ लोगों के घायल होने की खबर सामने आई, लेकिन इस पूरी घटना के बाद दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर निशाना जरूर साधा है। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में कहा है कि अब एनआईए की जांच का इंतजार है और नीतीश को सबक सिखाने की बात नरेंद्र मोदी कहते हैं और उसी के एक दिन बाद इस तरीके की घटना सामने आती है। क्या कहना चाह रहे हैं दिग्विजय अपने बयान से, बड़ा सवाल। तो क्या दिग्विजय सिंह ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नीतीश सरकार को सबक सिखाने और इन बम धमाकों के बीच में कोई कनेक्शन है, ये बड़ा सवाल। तो एक बार फिर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पहले अमित शाह का अयोध्या जाना, वहां राम मंदिर बनाने की बात कहना और उसके बाद नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कहते हुए ये कहना कि अब नीतीश सरकार को सबक सिखाया जाएगा। और ऐसे में अब दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया है कि एनआईए की जांच का इंतजार किया जा रहा है।